क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 गैसेस, और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेक्चर 9 है आप लोगों का, और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आपके पास वर्क ऑफ बर्नौलाई है। द बर्नौलाई इज़ द पर्सन हु गिव द यू नो इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद आपके पास क्लॉसियस है हु ड्राइव द काइनेटिक इक्वेशन एंड डिड्यूस द काइनेटिक इक्वेशन विद द गैसेस लॉ। उसके बाद हमारे पास मैक्सवेल है। मैक्सवेल द पर्सन हु इलेबोरेट द काइनेटिक यू नो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास है बोल्ट्जमैन हु गिव द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जीज, जिसने एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन की जो है दी थी, और इसके अलावा मैथमेटिकल डेरिवेशन भी बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने दी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ गैसेस की। उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड देयर फंडामेंटल पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसका पॉइंट है दैट इज़ द मॉलिक्यूल कंसेप्ट। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो आपके पास गैस जो है वो बेसिकली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है, और इन टीनी पार्टिकल्स को आप क्या कह रहे होते हो, मॉलिक्यूल्स कह रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद है रैंडम मोशन। जो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन अ हैपहैजर्ड मोशन एंड वेरी फास्ट मूविंग अराउंड, हैपहैजर्ड मोशन में होते हैं और बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम, उसमें रैंडमनेस है, मतलब कि डायरेक्शनलेस है, कि उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। उसके बाद है प्रेशर। जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्योंकि रैंडम होने की वजह से और हैपहैजर्ड मोशन होने की वजह से दे कोलाइड विद ईच अदर एंड दे कोलाइड एज वेल एज कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, एंड वन एनीथिंग दैट कोलाइड विद एनी पर्टिकुलर यू नो यूनिट एरिया, तो वो जो चीज़ होती है जब वो उसे टकराती है तो वो उसके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट करती है, और आपको पता है कि फोर्स जो है अगर एग्जर्ट हो रही हो पर यूनिट एरिया में तो उसे आप क्या कह रहे होते हो, प्रेशर कह रहे होते हो। सो व्हेनेवर जब आप गैस को क्लोज करेंगे किसी भी सिलेंडर में तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में तो टकराएंगे ही, एज वेल एज ये वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराएंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। और इनका जो कोलाइन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक कोलाइन होता है। उसके बाद है वाइड स्पेसेस। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। आपने पीछे पढ़ा है कि जो एक गैस मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होता है इससे 300 गुना जो है वो दूर होता है, डिस्टेंस पे होता है अपने डायामीटर के फ्रॉम इट्स अदर मॉलिक्यूल, अपने दूसरे मॉलिक्यूल से। सो इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, सो देयर इज़ नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज़ नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक दूसरे के अप्रोच में नहीं आती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। निग्लिजिबल वॉल्यूम, दे हैव निग्लिजिबल वॉल्यूम, अंडरस्टैंड। निग्लिजिबल वॉल्यूम किस वजह से है, बिकॉज दे आर वेरी यू नो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत दूर होती है, और आप गैसेज को जितना स्पेस दोगे वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते चले जाएंगे। और अगर आप उसी गैस को किसी कंटेनर में क्लोज करो और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते जाओ, अल्टीमेटली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे आप अगर उस पर फर्दर प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस वक्त जो उसका वॉल्यूम होगा वो उसका एक्चुअल वॉल्यूम होगा, और ये वॉल्यूम जो है, एक्चुअल वॉल्यूम जो है ये बहुत 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 कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। जितना ऑक्यूपाइड वो करती है उससे ये बहुत कम है, तो इनका वॉल्यूम जो होता है ना बेसिकली निग्लिजिबल होता है। नो ग्रेविटी इफेक्ट। तो बच्चा लोग जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इनके मैसेस बहुत कम होते हैं, और मैसेस कम होने की वजह से ये ग्रेविटी की अप्रोच में ही नहीं आते हैं, अंडरस्टैंड। और ये अप्रोच में आ भी सकते थे अगर इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती एंड दे मे बी सम है उस वक्त इनका कोई वेट या कोई मैस होता तो ग्रेविटी नहीं अप्रोच कर पाती, बट क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, बहुत दूर होती हैं और बहुत छोटे होते हैं, इसी वजह से इन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद है आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है
वो है आपके पास डेरिवेशन। वो कह रही है सपोज करें कि आपके पास एक आइडियल गैस है, मैं आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ना डेरिवेशन अब करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास वो कह रही है एक आइडियल गैस है जिसे आपने एक कंटेनर में रखा है, इस कंटेनर का वॉल्यूम बी है, प्रेशर बी है, उसके अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो प्रेजेंट है, और एम जो है ना स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अब वो कह रही है कि इसमें प्रेशर क्या किस तरह से होगा, डेफिनेटली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से भी टकराएंगे और ये वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर, तो वो प्रेशर होगा। सो आपके पास दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये उसकी फाइनल इक्वेशन है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक इक्वेशन है, बड़ी एक डेरिवेशन है प्रॉपर। तो आपको यू आर वेरी फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स कि आप लोगों को उन्होंने डायरेक्ट जो है फर्स्ट ईयर में आपके उसके लिहाज से ही आप लोगों को उन्होंने टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्ट इक्वेशन ही दे दी है। सो पी वी इज इक्वल टू वन ओवर थ्री एन एम सी स्क्वेयर बार, वेयर सी स्क्वेयर बार इज़ द मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एम इज़ द मास, पी इज़ द प्रेशर, वी इज़ द वॉल्यूम। आपको पता है अब व्हाट इज़ मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, मीन स्क्वेयर वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। मैक्सवेल जो था ना, जब हमने पढ़ा था कि जो मैक्सवेल है उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये था कि मैक्सवेल ने कहा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब की वेलोसिटीज़ जो होती हैं वो, क्योंकि वो डायरेक्शन लेस होते हैं ना, वो एक दूसरे से टकराते फिर रहे होते हैं, इधर उधर टकराते फिर रहे होते हैं, तो उनकी जो वेलोसिटीज़ जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा विद द यू नो विद वन वेलोसिटी, एक ग्रुप ऑफ एटम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे विद द स्पेसिफिक वेलोसिटी, जो दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप है वो किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा विद यू नो वेलोसिटी। तो ये वो आपके पास हैं जो वेलोसिटीज़ हैं कि सपोज करें कि एक ग्रुप जो था वो एन वन था वो और वो सी वन स्क्वेयर की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दूसरा ग्रुप एन टू था वो सी टू स्क्वेयर की वेलोसिटी से किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तीसरा ग्रुप जो था वो एन थ्री था वो सी थ्री स्क्वेयर की वेलोसिटी से किसी और ग्रुप डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इन सबको जब आपने इन तमाम वेलोसिटीज़ को जमा किया, एन प्लस उन तमाम ग्रुप उसको जब जमा किया, तो जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आई उसे आपने क्या कहा, मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट जो है वो है रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी क्या है, यू नो दैट पी वी इज इक्वल टू वन ओवर थ्री एन एम सी स्क्वेयर बार, इसके इक्वल होता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो मोलर मास एम जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई देयर मास, तो आपको कैपिटल एम मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू वन ओवर थ्री एम सी स्क्वेयर बार लगा दूँ, देर इज़ नो बिग डील, क्योंकि ये इसके इक्वल है, अंडरस्टैंड। और हमें पता है कि जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है उसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, वेर एन इज इक्वल टू वन, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। अब चूंकि इक्वेशन इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखें इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो आप आर टी को इक्वल रख सकते हो वन ओवर थ्री एम सी स्क्वेयर बार के। तो अब आपने क्या करना है, एम जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है यहाँ पर आप डिवाइजर में ले आओगे, थ्री जो कि यहाँ डिवाइजर में है वहाँ पर आप मल्टीप्लाई में ले आओगे, तो ये आपके पास थ्री आर टी ओवर एम आ जाएगा। नाउ सी स्क्वेयर बार जो है वो रह गया। अब स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, तो आपने अगर इधर अंडर रूट अप्लाई करना है तो डेफिनेटली इक्वेशन के इस तरफ भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो सी बार बिकम इक्वल टू थ्री आर टी एम, अंडर रूट थ्री आर टी एम हो जाएगा। तो आपके पास ये जो है दिस इज नाउ बिकम रूट सी बार रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू थ्री अंडर रूट थ्री आर टी ओवर एम। सो दिस इज़ इट, ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। आप लोगों ने इस टॉपिक को एज एन असाइनमेंट अटैम्प्ट भी करना है और इसे याद भी करना है, एंड दिस इज़ अ वेरी इजी वन टॉपिक, ओके। तो आप लोगों ने इसे एज एन असाइनमेंट लर्न करना है और इसे एज एन असाइनमेंट याद भी लिखना भी है, ओके। थैंक यू।